हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एके स्टेक वर्ल्ड में। वेल, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सर्च कंसोल के बारे में और बताऊंगा कि आप अपने वेबसाइट के एरर को कैसे फाइंड करोगे और उसे कैसे सॉल्व करोगे। देखो, वेबसाइट के एरर को फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एरर को सॉल्व नहीं करोगे तो आपके वेबसाइट की स्पीड लो हो जाएगी और आप जो भी पोस्ट पब्लिश करोगे वो रैंक नहीं करेगा, तो ट्रैफिक भी नहीं आएगा आपके वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये अभी सर्च कंसोल, और सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है गूगल का जहां से आप पता कर सकते हो कि आपके वेबसाइट में क्या क्या एरर है, क्या क्या क्रिटिकल इश्यूज है, राइट। और आपके मेल पे भी आ जाता है वो अगर कोई इश्यू रहता है तो। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एरर को फाइंड करके उसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कंसोल पे ओवरव्यू पे आ जाना है, लेफ्ट साइड ओवरव्यू, ओवरव्यू पे आ जाना है और सबसे नीचे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन कर देना है। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देखो एनहेंसमेंट का एक ऑप्शन है, और नीचे में यहाँ पे जितना भी FAQ स्कीमा, जॉब पोस्टिंग, रिव्यू स्निपेट, ब्रेडक्रम, डिस्कशन फॉर्म, सब कुछ आ रहा है। अभी राइट साइड में आप देखो एक वैलिड है और एक इनवैलिड है। तो वैलिड में सारा वैलिड आइटम्स है, इनवैलिड में सारा इनवैलिड है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जितना भी चीज़ें सारा कुछ वैलिड है, बट अभी आप इनवैलिड में देखो यहाँ पे एक चीज़ इनवैलिड है, अब वो क्या है, अनपार्सेबल स्ट्रक्चर डाटा। तो एक चीज़ इनवैलिड है, अब इसे हमें सॉल्व करना होगा, इसे ठीक करना होगा, हमारे वेबसाइट से इसे हटाना होगा इस एरर को, और उसके बाद हमारा वेबसाइट का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा और हम जो पोस्ट करेंगे वो इंडेक्स अच्छे से इंडेक्स भी होगा और रैंकिंग भी करेगा। अगर आप इसे सॉल्व नहीं करते हो तो ये आपके वेबसाइट पे बुरा असर डालेगा। और गूगल क्या करता है ना, अगर कोई वेबसाइट पे एरर रहता है तो गूगल उसे खराब तरीके से लेता है, ऑथोरिटी स्कोर भी उसका ज़्यादा नहीं रहेगा, स्पीड भी ठीक नहीं रहेगा, और जो आपके गूगल आपका पोस्ट को रैंक भी नहीं करेगा। तो इसे सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेल, अब हम पता करेंगे कि आखिर ये जो इनवैलिड आइटम है वो क्या इनवैलिड आइटम है, कौन से आर्टिकल में हमारा इनवैलिड आइटम है। हो सकता है आपके में कुछ और इनवैलिड आइटम आ रहा हो, तो आपको वहां पे क्लिक करना है। मेरे में अनपार्सेबल स्ट्रक्चर डाटा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आप देखो वन क्रिटिकल इशू लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे आप देखो जो क्रिटिकल इशू रहता है ना, उसे बहुत ही डेंजरस रहता है हमारे वेबसाइट के लिए, उसे सॉल्व करना ही करना है। अगर यहाँ पे वार्निंग रहता तो वार्निंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चलेगा, वार्निंग को भी ठीक करना है, बट वो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, वो आप बाद में भी ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर क्रिटिकल इशू है तो उसे ठीक करना ही करना है, वो डेंजरस है आपके वेबसाइट के लिए, आपके स्पीड को लो कर रहा है और रैंक भी नहीं करेगा आपका पोस्ट। ठीक है, गूगल आपके वेबसाइट को फिर खराब मतलब मानने लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, ये पता करना है कि आखिर ये क्रिटिकल इशू हमारे किस आर्टिकल में है, वेबसाइट के कहाँ पे ये क्रिटिकल इशू है। नीचे स्क्रॉल करना है, अभी यहाँ पे देखो डिटेल दिया हुआ है, व्हाई आइटम्स आर इनवैलिड। नीचे में आप देखो इनकरेक्ट वैल्यू टाइप, अब इनकरेक्ट वैल्यू टाइप है तो इनकरेक्ट वैल्यू टाइप कहाँ पे है, फिर अगेन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे देखो एक URL है, तो मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, ओके ये URL। अब हमें पता चल गया कि हमारे इस आर्टिकल पे, इस URL पे, इस पेज पे एरर है। अब हम देखेंगे कि कौन सा एरर है, अब हम फाइंड करेंगे कि क्या एरर है और सॉल्व करेंगे। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये यहां पे सर्च करेगा और एरर फाइंड करके देगा कि क्या एरर है। तो अभी आप यहां पे देखो इंस्टेंस 1 out of 2, यानी कि 2 एरर है और 2 एरर को ठीक करना है। देखो यार, अभी तो भाग मत जाना यहां से, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए, आपको सब समझ में आएगा ये कोडिंग वोडिंग क्या आ गया। अगर आप ये सोच रहे हो तो फिर गलत है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये कोई लेंदी चीज नहीं है, ये बहुत इजी प्रोसेस है अभी, और इसे सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, आपको देखना है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे हम एरर को सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये देखना है इंस्टेंस में कि कितना एरर है, तो मेरा 2 एरर है तो मुझे 2 एरर ठीक करना है। अगर आपका 5, 6, 7 आ रहा है तो उतने एरर है, आपको उतना सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे आपका 1 ही सिर्फ आ रहा है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही एरर आपको सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पे देखो एक अप साइड एक डाउन साइड है, तो डाउन साइड में आप दूसरा एरर देख सकते हो, अप साइड में ये मेरा पहला एरर है। तो सबसे पहला काम ये कि एरर क्या है वो देखना है। तो अभी आप यहाँ पे देखो पहला जो रेड कलर से ये हो गया ना, रेड कलर से BR टैग, तो मेरा जो एरर है वो BR टैग में, BR टैग में ही कुछ एरर है। अब मैं अभी आगे और फाइंड करूंगा कि BR टैग में क्या एरर है, नहीं, ये पहला एरर है। सेकंड पे मैं जाता हूँ, ओके सेकंड भी BR टैग पे ही एरर है, यानी BR टैग पे एरर है। तो अब मैं क्या करूंगा, जहां पे मेरा एरर है ये डबल ट्रिपल थ्री, एक लाइन यहाँ पे, एक यहाँ पे एरर है और ट्रिपल थ्री के बाद 354, एक मेरा BR टैग यहाँ पे एरर है। तो अब मैं ये पता करूंगा कि ये जो एरर आ रहा है ये क्या है, ये है एक स्क्रिप्ट, ओके स्क्रिप्ट है, टाइप है FAQ, ओके ये FAQ स्कीमा मैंने ऐड किया था और स्टार रेटिंग का स्कीमा ऐड किया था, उसी में ये प्रॉब्लम है।
और मैं आपको एक मजेदार चीज वो बता दूं कि मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल इश्यूज हम जो स्कीमा अपने वेबसाइट पे ऐड करते हैं उसी स्कीमा के थ्रू ही ये सब एरर हमारे आ जाते हैं वेबसाइट में, कुछ जो हमारे कोडिंग है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर ये एरर आ जाता है। अब कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि ये जो कोड है ना, यहाँ से मैं फर्स्ट लाइन से ही पूरा कोड को ही उठा लूंगा और मैं ठीक करूंगा। तो जो हमारा फर्स्ट एरर है वहां से इस कोड को पूरा लेना है। और सेकंड एरर था हमारा 353-354 पेज में। यहाँ पे देखो ये जो 354 पेज है बीआर टैग, यहाँ पे सेकंड एरर था। बट हमारा यहाँ पे स्क्रिप्ट अभी खत्म नहीं हो रहा है तो मैं पूरा स्क्रिप्ट को उठा रहा हूँ। तो हमारा स्क्रिप्ट खत्म होता है, यस यहाँ पे स्क्रिप्ट खत्म हो रहा है पी। तो यहाँ पे मैंने पूरा स्क्रिप्ट ले लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल सी मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर यहाँ पे आना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हो। अब आपको क्या करना है, कोड स्निपेट पे जाना है और पेस्ट योर कोड पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको रन टेस्ट पे क्लिक करना है। रन टेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इजिली फाइंड कर सकते हो कि हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम है और यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो एरर को। अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोड को एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद वैलिडेट कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोड अब सुधरा या नहीं सुधरा। तो अभी आप यहाँ पे देखो अभी एरर है, दो एरर है। अब सॉल्व करना है इसे, तो सॉल्व कैसे करना है अभी देखो। हमारा पहला एरर यहाँ पे बी आर टैग एक तो यहाँ पे है इस वाली लाइन पे यहाँ पे, और सेकेंड है 22 लाइन पे बी आर टैग यहाँ पे, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो यार ये जो स्क्रिप्ट है ना यहाँ पे बी आर टैग तो लगना ही नहीं चाहिए, तो बी आर टैग को मुझे सिंपली हटाना है। तो यहाँ पे कट कर दिया और सेकेंड लाइन यहाँ पे मैं कट कर दिया बी आर टैग को, ओके। अब आपको जब आप कोड को एडिट कर लोगे, जब आप कोड को ठीक कर दोगे, तो अब आपको यहाँ जो वैलिडेट है ना, वैलिडेट के बटन पे क्लिक करना है। जब आप वैलिडेट के बटन पे क्लिक करोगे, अरे भाई फिर से एरर, ओके टू एरर, अभी नंबर 2 पे है और नंबर 23 पे है और फिर से बी आर, अच्छा ओके देखो यार यहाँ पे और बी आर टैग है, अभी बहुत सारा बी आर टैग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना बी आर टैग है उन सारे बी आर टैग को डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी जितने कोड है मैंने कॉपी कर लिया। अभी मैं आऊंगा इधर नोटपैड पे इजी होगा, नोटपैड पे आना है कंट्रोल वी, ये सारे कोड है, इन सारे कोड को मैंने नोटपैड पे पेस्ट कर दिया। अब यहां से मुझे जितने बी आर टैग है उनको हटाना है। तो हटाने का यहाँ पे सिंपल सा एक तरीका है। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज और दिखा दूं, अभी मैं वैलिडेटर पे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एफ करता हूँ और इस बी आर टैग को कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी। अभी देखो कितना बी आर टैग है, येलो कलर से हाईलाइट हो गया। लेकिन यहाँ से हम एक साथ बी आर टैग को नहीं हटा सकते हैं। बट नोट पैड का भी मैं खासियत आपको दिखाता हूँ, ये नोट पैड है हमारा, यहाँ पे हमारा कोड है। अभी मैं बी आर टैग यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी किया बी आर टैग को, अभी मुझे ये बी आर टैग हटा देना है। तो आपको क्या करना है, नोट पैड पे एडिट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करने के बाद रिप्लेस पे क्लिक करना है, रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद जो आपको हटाना है बी आर टैग को वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इस बी आर टैग को हमें रिप्लेस करना है। अगर आपको किसी कोड में रिप्लेस करना है तो उस कोड को यहाँ पे आपको दे देना है, बट हमें हटा देना है तो रिप्लेस में कुछ नहीं देंगे, ब्लैंक, तो ब्लैंक हो जाएगा। अभी मैं रिप्लेस पे जैसे क्लिक करूंगा रिप्लेस ऑल, वेल यहाँ पे हमारा सारा बी आर टैग हट चुका है। अब यहाँ पे देखो कोई भी बी आर टैग नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे कंट्रोल सी करेंगे कॉपी करके अगेन वैलिडेटर पे आएंगे और यहाँ पे इस कोड को हटा के उस कोड को पेस्ट करेंगे जो नोट पैड से हमने एडिट किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन वैलिडेट के बटन पे क्लिक करेंगे और अब हमारा कोई भी एरर नहीं, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो कोई एरर नहीं है। अभी एफएक्यू पेज है, आप इजिली चेक कर सकते हो, जीरो वार्निंग जीरो एरर, नहीं, एफएक्यू पेज पे तो एरर नहीं है बट एक एरर और है, अनकैटेगराइज एरर, ये कहाँ पे है 32 नंबर, ओके यार बी आर टैग हमने हटा दिया, एक एक एरर हमारा सॉल्व हो गया। बट अभी यहाँ पे देखो एक बी आर टैग और है, एक बी आर टैग और रह गया। तो यहाँ से कट करता हूँ मैं बी आर टैग को, हाँ वो कट हो गया। अब अगेन वैलिडेट पे क्लिक करना है, यस ऑल डन। अब यहाँ पे आप देखो एफएक्यू पेज भी हमारा सही है, जीरो वार्निंग जीरो एरर और प्रोडक्ट भी हमारा बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट का मतलब वो जो स्टार रेटिंग ऐड करते हैं, 5 स्टार 3 स्टार, वीडियो में बनाया हो आप चाहो तो देख सकते हो। अब यहाँ पे एफएक्यू पेज पे वन आइटम है, वन आइटम पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका जो एफएक्यू पेज है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं है, राइट। वेल अब हम क्या करेंगे, इस सारे कोड को कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी कर लिया हमने इस कोड को। अब इस कोड को करना क्या है, तो इसे ऐसे ही रहने देना। अभी हम क्या करेंगे, अगेन सर्च कंसोल पे जाएंगे और सर्च कंसोल पे जाने के बाद ये जो एरर एरर था यहां पे अगेन हम इस कोड को कॉपी करेंगे। 373 से मैंने लिया था,
यहां तक मैंने लिया था, ठीक है। इस कोड हमारा एरर यहां पे था, तो हम इसे अगेन कॉपी करेंगे। वेल हमने यहां पे कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद हमें आना है अगेन पोस्ट पे। अभी ये वही पोस्ट है और वही यूआरएल है जो हमें यहां पे सर्च कंसोल शो कर रहा है, ठीक है। इसी आर्टिकल में हमारा प्रॉब्लम है, तो अगेन आना है हमें पोस्ट पे। पोस्ट पे आने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, हमारा स्कीमा नीचे ही रहता है, और यहाँ पे बीच पे कहीं पे क्लिक करना है, कंट्रोल एफ करना है और कंट्रोल वी, जो हमने कोड अभी कॉपी किया था, यहाँ पे सर्च करना है कि वो कोड कहाँ पे है। वेल हमें यहाँ पे हाईलाइट हो गया ये कोड कहाँ पे है, तो आप देख सकते हो स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट तक, यहाँ पे स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट तक, तो इसे पूरा कट करना है। तो मैं एक बार बैक स्पेस करूंगा और ये हमारा पूरा कट हो चुका है। अब ये कट हो चुका है, अभी मैं यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमने उस कोड को कंट्रोल एफ किया, सर्च किया कहाँ पे, उस कोड को पूरा डिलीट कर दिया क्योंकि वो कोड एरर था उस कोड में। अब अगेन हमें आना है स्कीमा मार्कअप में और यहाँ से कंट्रोल ए कंट्रोल सी इस पूरे कोड को कॉपी करना है, और ये जो हमने यहाँ पे अभी कोड को एडिट किया कॉपी किया उसे यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमारा पोस्ट अपडेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस यू आर एल पे जाएंगे और कंट्रोल सी करेंगे, और अब हम चेक करेंगे कि क्या अभी भी इस आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम है। तो अब क्या करना है, रिच रिजल्ट टेस्ट पे आना है। गाइस रिच रिजल्ट टेस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हो। अभी आप देखो ये वही यू आर एल है जो अभी हमने कॉपी किया है, ठीक है। इसे मैंने अभी पहले चेक किया था, तो पहले चेक किया था तो यहाँ पे आप देखो अनपार्सेबल स्ट्रक्चर डाटा आ रहा है जो पहले एरर था, लेकिन अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और सेम यूआरएल तो सेम ही है, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे अभी आप देखिएगा मैजिक। वेल यहाँ पे आप देख सकते हो 5 वैलिड आइटम्स डिटेक्टेड है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट स्निपेट आर्टिकल ब्रेडकम एफएक्यू रिव्यू स्निपेट ऑल आर वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देख सकते हो कि हमने कैसे सर्च कंसोल के थ्रू एक क्रिटिकल एरर को फाइंड किया और उसे हमने कैसे ठीक किया है, राइट। वेल ये तो था रिच रिजल्ट टेस्ट के थ्रू कैसे आप चेक करोगे। अब मैं आपको स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर पे भी लेके आता हूं, और आपको यहाँ पे कंट्रोल वी यूआरएल पेस्ट करना है और रन टेस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं। वेल यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं है, क्रिएटिव वर्क प्रोडक्ट साइट नेविगेशन एसेटम, चलो ये तो हो गया, ठीक है। अभी हम अनपार्सेबल स्ट्रक्चर डाटा पे आते हैं। अब क्या करना है, अब सिंपली आपको वैलिडेट फिक्स एक ऑप्शन है, वैलिडेट फिक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट फिक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे परफॉर्मिंग क्विक इनिशियल वैलिडेशन लिखा हुआ आ रहा है। वेल यहाँ पे आप देख सकते हो वैलिडेशन स्टार्ट हो गया, और सी डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अभी पेंडिंग शो कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये पेंडिंग शो हो रहा है, जब आपका ये वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम तो अभी ही सॉल्व हो गया बट सर्च कंसोल में वो शो नहीं कर रहा है, तो सक्सेस सर्च कंसोल में भी शो करेगा तो अच्छा दिखेगा, तो यहाँ पे भी वो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। वेल ये था आज का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम एक क्रिटिकल एरर को फाइंड कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल के थ्रू, और उसे ठीक कर सकते हैं, और अपनी वेबसाइट के रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। ऑटोमेटिक वो इंक्रीज हो गई क्योंकि वो एरर आपने सॉल्व कर लिया। सो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यार मेरा चैनल है भाई, हमारा चैनल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं, सिमरस से रिलेटेड वीडियोस हैं, और अभी तगड़े तगड़े वीडियोस आने वाले हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, और आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा यार, इतना मेहनत करता हूँ भाई, हमें भी मोटिवेशन चाहिए यार, हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है कि और वीडियो बनाए, मस्त मस्त वीडियो बनाए आप लोगों के लिए, और मस्त मस्त मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ अभी इस चैनल पे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।